हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट हम किस लिए यूज़ करते हैं? शेयर पॉइंट हम यूज़ करते हैं जब हमें इंटरनेट के ऊपर कोई काम करना, फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं उनको अगर क्रिएट करना हो, फोटो गैलरीज जो बनी हुई उन्हें बनाना हो, मार्क्यू वगैरह बनाना हो। मार्क्यू क्या होता है? न्यूज़ चैनल, आपने देखा होगा उसके नीचे जो पट्टी चल रही होती है जिसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ की पट्टी जो चल रही थी वो मार्केट कराते हैं। अगर वो बनाना हो, वेबसाइट बटन्स वगैरह बनाने हो, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह बनाने हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शेयर पॉइंट यूज़ करते हैं। यानी कि आपको इंटरनेट पे किसी भी किस्म का कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? शेयर पॉइंट। इसके अलावा और भी एक दो सॉफ्टवेयर हैं जिन जो इंटरनेट के काम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपने HTML पढ़ा था, ठीक है, तो वो HTML कोडिंग के थ्रू आपने काम किया था इंटरनेट के ऊपर और वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन की थी। अब हम जो करेंगे ये शेयर पॉइंट के जरिए करेंगे। शेयर पॉइंट जो है डिज़ाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग के थ्रू इंटरनेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे, फोटो गैलरी बनाएंगे, मार्क्यू वगैरह वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बटन वगैरह बनाएंगे, सही। इसके अंदर क्या कहते हैं, ये बहुत आसान सा होता है, बहुत ईजी होता है। इसके अंदर ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, 6 to 7, 5 to 6 के लेक्चर होते हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर HTML का यूज़ भी होगा। जैसे मैंने जब आपको HTML सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं डिज़ाइनिंग वाले जिसके अंदर HTML यूज़ हो रहा है। तो शेयर पॉइंट के अंदर भी हमारा HTML यूज़ होगा, HTML की कोडिंग यूज़ होगी, लेकिन हम इसमें कोडिंग के थ्रू नहीं, हम डिज़ाइनिंग के थ्रू काम करेंगे। कोडिंग इसके बैक साइड पर इसके मॉड्यूल के ऊपर खुद ही टाइप होती जाएगी, ठीक है। तो हम अपना शेयर पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। अब शेयर पॉइंट होता कहाँ है? हमारे पास तो यहाँ डेस्कटॉप के सामने पड़ा हुआ है, हमने इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है। अगर डेस्कटॉप पे ना हो तो आपने क्या करना है, क्या कहते हैं, आपने ऑफिस 2007 इंस्टॉल करना है, उसके अंदर ही शेयर पॉइंट मौजूद होता है। नहीं तो शेयर पॉइंट आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद ये कहाँ पर होता है? ये जो आपके स्टार्ट बटन है यहाँ पर जाएंगे आप। ज़्यादा यूज़ में होगा तो सामने इंडेक्स में आ रहा होगा, अदरवाइज ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आएंगे, ठीक है, 2007 वाला जो है, और यहाँ से आप शेयर पॉइंट ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर ये यहाँ पे आपको सर्च बार में ना मिले तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है सर्च बार में और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है, ठीक है, शेयर पॉइंट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्योंकि यहाँ से उठा के उसे बाहर यहाँ पे इसके शॉर्टकट क्रिएट कर दिया, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ गया। नहीं तो आप ऑफिस वाले फोल्डर में जाके, स्टार्ट बटन में ऑफिस वाले फोल्डर में जाके वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आए हम अपना शेयर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो उस पर इस तरह की फाइल आएगी, कुछ आपको नजर आ रहा है, ये लोडिंग पे आपको ये नजर आ रहा है, इस तरह की आपके पास फाइल आएगी। सबसे ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ये टाइटल या स्टेटस बार पे लाता है, जिसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम और उसकी फाइल का नाम आ रहा है। उसके नीचे आपको नजर आ रहा है ये मेन्यू बार के लाता है, ठीक है। उसके नीचे जो है ये जो है पेज के लाते हैं, ठीक है, और ये जो है ये आपकी प्रॉपर्टीज बार के लाते हैं, और ये पेज के लाते हैं। और पेज के ऊपर ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है, ये वो काम है जो पहले से शेयर पॉइंट के अंदर किए गए हैं, ठीक है, ये उन ये वो काम आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, सही। इसके अलावा ये हमारे पास टूल बॉक्स है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे टूल बॉक्स नहीं आ रहा, प्रॉपर्टीज बार नहीं आ रही, तो आप विंडो में जाके यहाँ से आप टूल बॉक्स ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से टूल्स में जाके यहाँ से भी चेक क्लिक कर सकते हैं, और व्यू में भी जाकर यहाँ से भी आप वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये टूल बार है नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो वो टूल्स वगैरह आ जाएंगे। विंडो से काम ले सकते हैं, टूल्स से काम ले सकते हैं, और व्यू से काम ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज, टूल बार या कोई भी चीज़ चाहिए हो तो इन ऑप्शन से आप काम ले सकते हैं। अब हम अपना नया काम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें नया पेज चाहिए। तो नया पेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो फाइल मेन्यू है इसके अंदर जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, न्यू में आना है, ठीक है। न्यू में आने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाके न्यू को सेलेक्ट करके यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे। पेज में आकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे HTML, यानी कि कौन से पेज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो हम HTML के ऊपर काम करना चाहते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ HTML जो है वो इंटरनेट पर वेबसाइट वगैरह, फॉर्म वगैरह, बाकी सारी चीज़ें क्रिएट करने का काम आता है, ये आप सीख चुके हैं पहले भी। उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोडिंग होती है, ठीक है। तो ये डिज़ाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर में भी आती है। तो इस तरह से हमने यहाँ से HTML सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास HTML का पेज शो हो गया, ठीक है। तो आज जो हम शेयर पॉइंट में करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 1, और लेक्चर नंबर 1 का नाम है डिज़ाइन फोटो गैलरी।
फोटो गैलरी किस तरह से डिजाइन करते हैं, इंटरनेट पे आप जब भी कोई एक आध पिक्चर सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड और बहुत सारी पिक्चर्स निकल आती है, यानी गैलरी पूरी निकल आती है। तो वो गैलरीज जो है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप अपने पेज को कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड में आने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, बैकग्राउंड का कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं पेज के ऊपर तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कलर भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने टेक्स्ट कलर फिलहाल ब्लैक ही रखा है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैंने स्काई ब्लू ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर आप बैकग्राउंड में कलर की जगह पिक्चर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा ब्राउजर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके आप जो भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगी, वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगी। पर मैं पिक्चर नहीं देना चाहती, मैं कलर ही देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपको पिक्चर का ऑप्शन भी बता दिया कि आप किस तरह से पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना, तो देखिए आपके पेज का कलर वही आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। अब हम यहाँ पे पेज पे क्लिक करके सबसे पहले अपने लेक्चर की हेडिंग डाल देंगे। अब हेडिंग डालने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने वर्ड एक्सेल पढ़ा होगा तो उसमें आपको शॉर्टकट की जो बताई गई है शिफ्ट होम शिफ्ट एन, उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उसी की तरह का सॉफ्टवेयर है, ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ऑफिस वाली कीज जो है वर्ड एक्सेल में जो कीज, पावर पॉइंट में जो आप कीज यूज करते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई आ सकती है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसे सेंटर, मुझे इसका साइज वगैरह सेट करना है, सेंटर में लेकर आना है, कलर वगैरह सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे। ठीक है, जहाँ डिफॉल्ट फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप कोई भी इसका फॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डिफॉल्ट साइज भी जाएंगे, यहाँ से आप इसका कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल वी से बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको पोजीशन सेट करनी है, मुझे सेंटर में रखना है, तो यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, और उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट रखना है कंट्रोल एल करेंगे, राइट रखना है तो कंट्रोल आर करेंगे। इस तरह से शॉर्टकट की से भी काम ले सकते हैं और ऑप्शन से भी ले सकते हैं। अब हमने इसे कोई कलर देना है तो कलर देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी इसको हाईलाइट करने के लिए हेडिंग के ऊपर कलर दे दिया, और यहाँ से ये फॉन्ट का कलर हमने सेट कर दिया। तो इस तरह से हमने अपने क्या कर लिया, टेक्स्ट को सेट कर दिया। अब हम फोटो गैलरी बनाने वाले हैं। अब फोटो गैलरी बनाने के लिए आपको पता होगा, जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी फोटोज देखते हैं कुछ भी, तो वो एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, यानी बॉक्सेस के अंदर आ रहे होते हैं। तो गैलरी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बॉक्सेस की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी पिक्चर उन बॉक्सेस के अंदर इक्वली सीक्वेंस साइज के अंदर आए। ठीक है, बड़ी छोटी इस तरह से आगे पीछे मूव ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल सेलेक्ट करते हैं। जो हमारे वो बॉक्सेस होते हैं वो टेबल के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम टेबल पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर अपनी पिक्चर सेट करेंगे अपनी गैलरी के लिए। ठीक है, टेबल लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, टेबल मेन्यू में जाने के बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इंसर्ट टेबल। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा सामने ऑप्शन इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ से आप क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम सेट कर लेंगे। जितनी ज़्यादा रोज एंड कॉलम सेट करेंगे आप उतनी ज़्यादा पिक्चर्स के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कम रोज एंड कॉलम सेट करूँगी ताकि आपका लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 5-5 रोज एंड कॉलम, आप जितनी ज़्यादा रोज एंड कॉलम सेट करेंगे उतनी ज़्यादा आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उतनी बड़ी गैलरी आप बना सकते हैं। मैंने कम इसलिए किया ताकि आपकी लेक्चर लेंथी ना हो। और यहाँ से आपने क्या करना है, अलाइनमेंट वगैरह इसकी सेट करनी है, टेबल्स की अलाइनमेंट सेट कर दे सकते हैं, प्लॉट वगैरह सेट करना है। ठीक है, परसेंट सेल्फ एडिंग, यानी कि आपके जो बॉक्स का साइज़ हो वो कितना हो, उसमें स्पेसिंग कितना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एचटीएमएल में पढ़ के आए कि किसका क्या मतलब है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डिज़ाइनिंग के तौर पर सेट कर सकते हैं। कलर अगर सेट करना हो अपने उसका बैकग्राउंड का, टेबल के बैकग्राउंड का कलर सेट करना हो, तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। मुझे सेट नहीं करना है इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड ही रख रही हूँ, जो ये पहले से सही हुई है। उसके बाद आपने क्या कर देना, बॉर्डर वगैरह सेट करना है, तो यहाँ से बॉर्डर का कलर लेकर आप उसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, बॉर्डर का साइज़ बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ओके कर देंगे तो आप देख रहे हैं उसी तरह से आपका क्या आ गया, टेबल आ गया, 5-5 रोज एंड कॉलम्स आ गया, उसका बॉर्डर इस तरीके से आ गया। आपको वो आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो आपके बीच में बॉक्सेज हैं, इनके अंदर हम क्या करेंगे, 1 by 1 पिक्चर इंसर्ट करेंगे। अब देखें किस तरह से पिक्चर इंसर्ट करेंगे, जो आपके टेबल का फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम है जो फर्स्ट रो का, उसे आप उसमें क्लिक करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे, यानी क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे।
इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पिक्चर, और पिक्चर में आके यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम फाइल। अगर आप अपने कंप्यूटर में से देना चाहते हैं तो आप फ्रॉम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कैमरे के थ्रू देना चाहते हैं यानी कि स्कैनर लगा हुआ है तो उसमें से जो पिक्चर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर लेंगे। क्लिप आर्ट के थ्रू देना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट पर क्लिक करके उसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ वो करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्लिप आर्ट के थ्रू जो भी है वो पिक्चर आती जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है, मैं पहले पिक्चर आपको क्लिप आर्ट के थ्रू देना बता रही हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने फोल्डर में से भी दे सकते हैं। आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा, यानी कि अगर आप इसका कोई नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ अल्टरनेट टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद देखिए हमारी पिक्चर का साइज क्या है, बड़ा आ रहा है, मुझे इसे टेबल के अंदर एडजस्ट करना है। तो टेबल के अंदर एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑटो थंबनेल। ऑटो थंबनेल करने से क्या होगा, जितनी बॉक्स के अंदर इसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है, ये देख रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ पर और चीज़ें सर्च करते जाएं क्लिप आर्ट में, तो यहाँ से क्लिप आर्ट के थ्रू आप अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कंप्यूटर में इसे किस तरह से डालेंगे। वही इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे और देखें यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर ले ली, इंसर्ट किया, वही चीज़ आ गई, कोई भी नाम रख दें और डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो आप ये ऐड करके ओके करेंगे तो देखें आपकी पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ऑटो थंबनेल ले लेंगे। इसी तरह बाकी के अंदर भी आप इसी तरह करते जाएंगे, वन बाय वन पिक्चर ऐड करते जाएंगे, आपकी मर्जी, आप जिसके थ्रू भी ऐड करें, फ्रॉम फाइल के थ्रू, क्लिप आर्ट के थ्रू या फिर स्कैनर के थ्रू। हम स्कैनर यूज़ नहीं करें क्योंकि फिलहाल हमारे पास स्कैनर के अंदर कोई पिक्चर नहीं है, इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन, बाकी जो हमारे पास अवेलेबल थे, मैंने उसमें से आपको पिक्चर इंसर्ट करना बता दी। इस तरह से हम वन बाय वन इंसर्ट मेन्यू में फाइल में जाके पिक्चर लेके डालते जाएंगे। जितनी ज्यादा पिक्चर्स होंगी उतनी बड़ी आपकी गैलरी बनेगी। मैंने थोड़ा कम लिया है ताकि हमारा लेक्चर जो है वो लेंथी ना हो। सबको इंसर्ट करने के बाद आपने ऑटो थंबनेल लाजमी करना है ताकि वो बॉक्सेस के अंदर एक ही साइज के अकॉर्डिंग सेट हो सके। ठीक है, मैं फ्लावर्स की गैलरी बना रही हूँ, आपकी मर्जी, आप जिसकी मर्जी ये गैलरी बना सकते हैं। इस तरह हमने सारा क्या कर लिया, अपनी गैलरी के अंदर फ्लावर वगैरह सेट कर दी, ठीक है। अब आप कंट्रोल इसे सेलेक्ट करके इनको सेंटर पोजीशन में सेट कर सकते हैं। अगर आपकी सेंटर पोजीशन में नहीं तो ये आपकी गैलरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसका रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपको इसे सेव करना है, ठीक है, यानी कि जो आपने करंट पेज बनाया है इसे सेव करना है। पहले आप कंट्रोल ऐसे सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जब F12 से रिजल्ट देखने के लिए करेंगे तो तब भी आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपसे पूछेगा आपने इसे कहाँ पे सेव करना है, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके कोई भी फाइल नेम लिख के आप सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर्स आपके उस फोल्डर के अंदर वहाँ पे जाकर सेव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद F12 जब आप करेंगे तो रिजल्ट सेव होने के बाद रिजल्ट स्क्रीन भी आ जाएगी। इस तरह से आपके पास इंटरनेट का एक पेज, इंटरनेट एक्सप्लोर का पेज ओपन होगा, जिसके अंदर जो आपने अपनी गैलरी को जो भी नाम दिया होगा वो आ जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा फोटो गैलरी। जैसे आप इंटरनेट पर सर्च बार में कोई भी नाम लिखते हैं तो सर्च बार में वो नाम आ रहा होता है, इसी तरह हमारे सर्च बार में वो नाम आ रहा है, ठीक है। ये हमारी हेडिंग आ गई और ये हमारी गैलरी बनी हुई आ गई, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप पिक्चर लेंगे गैलरी उतनी एक दूसरे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और पिक्चर एक दूसरे के करीब होती जाएंगी, सही। और इस तरह से फिर आप क्लिक करके इन पिक्चर को देख भी सकते हैं, जैसे इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। अगर आपने इनका कोई नाम वगैरह सेट किया हुआ होगा तो वो भी आपको शो हो जाएगा जब आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपकी लेक्चर नंबर 1 शेयर पॉइंट का डिज़ाइन फोटो गैलरी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने गैलरी बनाना सीखा है। ये आपका लेक्चर 1 था डिज़ाइन फोटो गैलरी।
मजीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।